जय हिंद स्टूडेंट्स वेलकम टू तो द कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल आई एम कायनात विद यू ऑल अगेन फिर मैं हूँ आपके साथ एक नई नोटिफिकेशंस के साथ एक नए फॉर्म और एक, एक एग्जामिनेशन डेट के साथ चलिए हम बात करते हैं आज इंडियन कोस्ट गार्ड की इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्जामिनेशंस की डेट आ चुकी है आप सभी को यह बारे में जानकारी होगी कि इसका कुछ दिन यह सेकंड फॉर्म आया था जिसके एग्जामिनेशन की डेट के लिए आपको फाइनलाइज एक डेट मिल चुकी है इसकी लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट पे आपको पता होगा कि आपने जुलाई में इसके एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरा था और एग्जामिनेशन डेट जो थी इसकी फर्स्ट जो एग्जाम्स हुए थे वो सितंबर में कंडक्ट हुए थे और उसके एग्जामिनेशन रिजल्ट्स आ चुके हैं जो ट्वेंटी सेकेंड ऑफ अक्टूबर को आपको रिलीज हो चुके हैं बट अब नेक्स्ट मतलब पेपर टू ऑफ नवंबर के बीच है मतलब टू नवंबर की आपकी फॉर्म के बाद आपको जो एग्जाम डेट दी गई हैं यहां पे हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या आपको क्या जानकारी होनी चाहिए हमें किस चीज के लिए हमें तैयार होना चाहिए कि हमें ये गलती नहीं करनी एग्जाम्स में या किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी अगर हमने इस तरीके की कोई गलती की है तो क्या सोल्यूशन है कि हम उससे बाहर आ सकते हैं ओवरकम हो सकते हैं इन चीजों से आपके लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है सभी जो स्टूडेंट्स एग्जाम्स देने जा रहे हैं उनको इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपको इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ही आपको एग्जामिनेशन में बैठना है तो पहले हम कुछ एक आपको कुछ बताते हैं जो तो ब्रीफली भी डिटेल्स करेंगे हम आपको इस बारे में कुछ हम आपको कुछ ऐसी जानकारी देते हैं जैसे स्टेज टू एग्जामिनेशन इज शेड्यूल्ड फ्रॉम सिक्सटीन टू एटीन नवंबर ट्वेंटी एट नाइन एग्जामिनेशन सेंटर मतलब स्टेज टू के जो एग्जामिनेशन हैं वो 16 टू 18 नवंबर के आपको शेड्यूल किए गए हैं जिसके कुल नौ सेंटर्स हैं मतलब नौ सेंटर्स पड़े हैं आपको ऑल ओवर इंडिया जहां पे आपके एग्जाम्स के आपको डेट दी गई है सेकेंड है आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट आर एलोकेटेड सेंटर्स एज पर देर सीक्वेंस ऑफ चॉइस फिल्ड इन द एप्लीकेशन इन केस कैंडिडेट इज नॉट अलॉटेड एग्जामिनेशन सेंटर एज पर देयर चॉइस द नो रिक्वेस्ट फॉर सेंटर चेन विल बी एंटरटेन द कैंडिडेट हैज टू अपेयर फॉर स्टेड

आपको कैंडिडेट्स विल बी एबल टू डाउनलोड ई एडमिट कार्ड ऑफ फ्रॉम सेवम्बर नवंबर 21 मतलब फर्स्ट नवंबर से आपकी प्रक्रिया मतलब आपके प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे आप अपने एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड कर सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट से Candidates will be able to download additional documents and make changes in marks and subjects for class 10, 12th and diploma in edit window of candidates login from 1st November 21, 1500 hours to 8th November 21, 1500 hours failing which the candidate will not be able to download the e-admit card for stage 2. एंड एडिट विंडो इज ओपन इन कैंडिडेट लॉग इन आई डी फॉर एडिकीट परसेंटेज आपने जो भी फॉर्म भरते टाइम अगर किसी भी तरीके से आपने जो इंस्ट्रक्शन डाले होंगे आपने जो भी अपना अपना परसेंटेज जो भी वैल्युबल चीजें वहां पे डाली होंगी अगर आप चाहते हैं किसी भी तरीके से चेंजेस हो तो वहां पे आपको एक विंडो ओपन एडिटिंग विंडो ओपन होके आएगी जहाँ पे आप अपने परसेंटेज के रिगार्डिंग कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं बट जो एक चीज और ध्यान रखिएगा जो भी आप चेंजेस करेंगे उसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे प्रॉपर फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन होंगे अगर आपके मिसमैच हुए किसी भी चीज से एडमिट कार्ड फॉर स्टेज टू विल बी डाउनलोड ओनली इफ कैंडिडेट्स कंप्लीट द फॉलोइंग मतलब लेकिन एडिटिंग जो भी आपकी तरफ से बनाई जा रही है वॉट एवर द एडिटिंग यू आर मेकिंग योर साइट आपको इस चीज का ध्यान रखना है एडिटिंग ऑफ मार्क्स एंड सब्जेक्ट फॉर क्लास टेन ट्वेल्थ एंड डिप्लोमा एज एप्लीकेबल इन एडिट विंडो इन कैंडिडेट्स लॉग इन आई डी अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपने लाए हैं आप अपनी सेम लॉगिन आईडी से ही आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे

चलिए जैसे मैंने बोला कि आपको अब पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे होंगे वहां पे all the information provided in the online application has to match with all the original documents like grade 10th and 12th diploma mark sheet photo identity card card certificate individual subjects and aggregate any inconsistently in all the documents and application with respect to name date of birth parents name percentage of marks validity of documents caste certificate details etc 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 whatever the things you have been uploaded at the time of filling form फॉर्म भरते टाइम जो भी आपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अपनी जो भी अपनी जानकारी वहां पे भरी थी उसकी सारी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगी जो भी आपने आपका कास्ट सर्टिफिकेट था आपकी मार्कशीट दी आपकी फोटो दी वो सारी आपकी यहाँ पे पूरी इंडिविजुअल सब्जेक्ट एग्रीगेट मार्क्स ऑल्सो मतलब आपने अपने सब्जेक्ट मार्क्स जरूर अपलोड किए होंगे वहां पे आपने, आपने खुदल फिर से फिल कर दिया है और जब उसकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे तो उन स्टूडेंट्स को उन कैंडिडेट्स का आपकी जो प्रक्रिया रहेगी आगे जाने की वो कैंसिल हो जाएगी तो आप हमेशा जो भी काम करिएगा बहुत ध्यान रख के ही करिएगा if the candidates requires to percentage up to 3 decimal places without rounding off ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इनकी ऑफिशियल साइट पे आप क्लिक करके देख सकते होंगे कुछ ऐसी चीजें मैं बता देती हूँ कि आपको पता रहेंगी ठीक है व्हाटएवर द थिंग मतलब आपने ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड

सेंटर्स में फिजिकली उसको वेरीफाई किया जाएगा ओके, यू कैन चेक ऑल द थिंग्स ऑन द सेंटर्स ठीक है इसके लिए आगे की जितनी भी जानकारी आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करके देख सकते हैं बने रहिए कैडेट्स पॉइंट डिफेंस अकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ जय हिंद